अगर हम ब्लॉक क्रिएशन टाइमिंग की बात करें तो बिटकॉइन में ब्लॉक क्रिएशन टाइम 10 मिनट का है, जबकि इथेरियम की बात करें तो ये हर 10 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में बिटकॉइन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी होती है जिसे हैश कोलिजन भी कहते हैं। इथेरियम के नेटवर्क में कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब दो माइनर सेम टाइम पर सेम ब्लॉक जनरेट कर लेते हैं। अगर हम ब्लॉक साइज़ की बात करें तो बिटकॉइन में इसकी लिमिट 1 MB रखी गई है, जबकि इथेरियम में यही ब्लॉक लगभग 2 KB का होता है। इथेरियम और बिटकॉइन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम होता है जो इथेरियम के सभी नोड पर स्टोर और रन किया जाता है। इन्हें एक बार डिप्लॉयड कर देने के बाद कोई भी पर्सन इन्हें ब्लॉकचेन के नेटवर्क से हटा नहीं सकता है, जैसा कि ट्रांजेक्शन के साथ होता है। इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें प्री डिटरमाइंड कंडीशन पर रन किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे प्रोग्राम पर रन किया जाता है। बिटकॉइन और इथेरियम में जो सबसे बड़ा मॉनेटरी डिफरेंस है वो है कॉइन्स की सप्लाई का। बिटकॉइन में 21 मिलियन के कॉइन शुरू से ही फिक्स कर दिए गए थे, और हर 4 साल में ब्लॉक जनरेशन से मिलने वाला रिवॉर्ड भी आधा हो जाता है। जबकि इथेरियम की बात करें तो इसमें कॉइन्स पूरी तरह से फिक्स नहीं है। इसमें 72 मिलियन कॉइन्स प्री माइन राउंड के टाइम ही जनरेट किए गए थे, यानी उस टाइम जब इथेरियम को डेवलप किया जा रहा था, ताकि इसके डेवलपमेंट और इसके मेंटेनेंस को फंड किया जा सके। इसके अलावा हर साल 18 मिलियन न्यू इथर जनरेट होते हैं।